डिस्को म्यूजिक के लिए लोगों को दीवाना बनाने वाले मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। बप्पी दा पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। बप्पी दा का नाम सामने आते ही बेशुमार सोना याद आता है। उन्हें कभी किसी ने बिना सोने से लदे नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो बप्पी दा इतना सोना पहनकर चलते थे? दरअसल बप्पी दा अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली के फैन थे। एल्विस अपनी परफॉर्मेंस के दौरान हमेशा सोने की चैन पहना करते थे। एल्विस को देखकर बप्पी दा ने सोचा कि जब वो कामयाब हो जाएंगे तो अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। बप्पी दा ने जब कमाना शुरू किया तो उनका बस एक ही सपना था, कमाए हुए पैसों से बेशुमार सोना खरीदना। शुरुआत में कई लोग कहते थे कि बप्पी दा सोना पहनकर शो ऑफ करते हैं, लेकिन बप्पी दा को कभी इससे फर्क नहीं पड़ता था। कई लोग अक्सर बप्पी दा से पूछते थे कि आखिरकार उनके पास कितना सोना है। साल 2014 में जब बप्पी दा ने चुनाव लड़ा तो उसमें उन्होंने अपने सोने का ब्यौरा दिया था। तब बप्पी दा ने बताया था कि उनके पास करीब 1 किलो सोना, 4 किलो 62 ग्राम चांदी और 4 लाख रुपए के हीरे थे, जिन्हें वो अक्सर पहन कर जाया करते थे। एक बार तो सोने की वजह से ही राजकुमार ने बप्पी दा को बड़ा ताना मारा था। भरी पार्टी में राजकुमार ने बप्पी दा से कहा था कि बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है, आप वो भी पहन लेते। जब भी भारत में डिस्को और फास्ट म्यूजिक का जिक्र होगा तो सबसे पहले बप्पी दा का नाम लिया जाएगा। बप्पी दा हमेशा बॉलीवुड में याद किए जाएंगे।